हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बॉयलर ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो ड्रम का वेंट होता है, जो सुपर हीटर का एयर वेंट होता है, उसको हम लोग कब ऑपरेट करते हैं, यानी उसको हम लोग कब क्लोज करते हैं या कब ओपन करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये हमारे वर्क से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बीओई का एग्ज़ाम देते हैं या जो बॉयलर फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम देते हैं या जिनका इंटरव्यू रहता है, उसमें ये अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारा ड्रम का और जो सुपर हीटर का वेंट होता है उसको हम लोग कितने केजी में खोलते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। तो इसी बात का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रम एंड सुपर हीटर एयर वेंट, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे लगा होता है। तो ड्रम वेंट जो लगा होता है, जिसको हम लोग ड्रम एयर वेंट भी कहते हैं, वो ड्रम के ऊपर लगा होता है। और जो सुपर हीटर एयर वेंट जो लगा होता है, वो जो भी सुपर हीटर होते हैं, जैसे प्राइमरी सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर या फाइनल सुपर हीटर, वो उसके हेडर से टैपिंग लेके लगा होता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ जानना होगा कि जो फ्लूड का जो फ्लो होता है उसके क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, किसी भी फ्लूड को फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फ्लूड तब फ्लो होता है जब उसमें कुछ प्रेशर डिफरेंस होता है, मतलब फ्लूड का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, तो अगर हम बोलें कि गंगा नदी जो है वो हिमालय से निकलकर बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो ये जो फ्लो हुआ हिमालय से लेकर जो बंगाल की खाड़ी तक फ्लो हुआ, वो किसके कारण हुआ? तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा, जिसके कारण से जो वो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। मतलब हिमालय के पास जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और जो बंगाल की खाड़ी के पास जो प्रेशर होगा वो लो होगा, तभी जो नदी का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर होता है। वरना अगर कहीं पर भी प्रेशर बराबर हो जाए तो फ्लूड का फ्लो नहीं होगा, फ्लूड जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इसको अगर दूसरे एग्जांपल से समझे, तो जब हम लोग बॉयलर ड्राफ्ट का टॉपिक समझ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो फर्नेस ड्राफ्ट है वो नेगेटिव रखा जाता है, जिससे बाहर का जो एयर है वो इन कर पाता है फर्नेस में। तो ये जो होता है ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होता है कि फर्नेस में नेगेटिव प्रेशर होता है और बाहर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो हाई होता है, तो जिसके वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और बाहर का जो एयर है वो अंदर की ओर जा पाता है नेचुरली। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो फ्लूड होता है, मतलब कि एयर हो या वाटर हो, वो कब फ्लो करता है। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो केस है, एक है हम लोग को वेंट को क्लोज करना है और ओपन करना है। तो पहले हम लोग को क्लोज कब करते हैं और क्यों करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले ड्रम की बात करते हैं। तो ड्रम पे यहाँ पे वेंट लगा होता है, तो जब भी बॉयलर को हम लोग लाइट अप करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो भी वेंट होते हैं वो खुले हुए कंडीशन में रहते हैं, चाहे वो ड्रम वेंट हो या सुपर हीटर वेंट होता है। तो उस समय क्या होता है कि बॉयलर में हमारा एयर जो है वो इंग्रेस हुआ रहता है, मतलब पहले से ही एयर मौजूद रहता है। कैसे रहता है वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले से ही यहाँ पे एयर मौजूद रहता है, तो इस एयर को रिलीज करने के लिए, इसको यहाँ से निकालने के लिए इस एयर वेंट का यूज किया जाता है। चूंकि हम लोग को एयर निकालना है इसलिए इसे एयर वेंट कहा जाता है। जो ड्रम में लगा होता है उसे ड्रम एयर वेंट, और जो सुपर हीटर में लगा होता है वहाँ से एयर निकालने के लिए उसको सुपर हीटर एयर वेंट कहते हैं। तो ड्रम एयर वेंट से हम लोग जो भी यहाँ पे एयर हो या डिजोल्व गैसेस हो उसको हम लोग रिलीज करते हैं या निकालते हैं। तो बात आती है कि इसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए, जब बॉयलर ये बंद कंडीशन में था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर आ गया। अब हम लोग जैसे ही बॉयलर को लाइट अप करेंगे तो ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, बॉयलर का प्रेशर बढ़ेगा और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1.03 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो देखिए, यहाँ का प्रेशर इतना है और बॉयलर का प्रेशर जब हम लोग लाइट अप करते हैं तो उस समय लगभग बराबर बराबर होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है। तो जो अंदर का एयर है, यहाँ पे जो एयर इंग्रेस हो चुका है पहले से, वो कैसे निकल पाएगा यहाँ से? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़े अभी जो डिस्कस किए वो उसी के द्वारा निकल सकता है। क्यों ना हम लोग यहाँ का प्रेशर बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ का प्रेशर क्यों ना हम लोग बढ़ा दें ताकि जो ये यहाँ पे
ऑटोमेटिक नेचुरली यहाँ पे जो भी एयर है, जो भी डीजल गैसेस है वो निकल जाए। तो जब हम लोग बॉयलर लाइट अप करते हैं तो इसका ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो हम लोग 2 kg जैसे आता है इस वेंट को, ड्रम वेंट को बंद कर देते हैं, क्योंकि 2 kg आने पे हम लोग ये इंश्योर हो जाते हैं कि यहाँ पे जो भी डीजल गैसेस या एयर है वो निकल चुका हुआ होगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कम है और अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। तो अब जो फ्लूड का फ्लो होगा, जो स्टीम का फ्लो होगा, जो एयर का फ्लो होगा, वो यहाँ से यहाँ होगा। तो ड्रम प्रेशर 2 kg आने पर हम लोग ड्रम जो एयर वेंट है वो बंद कर दिए, लेकिन सुपर हीटर एयर वेंट को अभी हम लोग बंद नहीं करते हैं। उसको हम लोग 4 या 5 kg का प्रेशर आने पे, जब ड्रम का प्रेशर 4 kg या 4 kg आता है, तभी हम लोग बंद करते हैं। क्यों? हम लोग यहाँ पे जो 2 kg पे बंद किए और यहाँ पे हम लोग 4 या 5 kg पे क्यों बंद कर रहे हैं? तो देखिए, इसको समझिए कि देखिए, यहाँ पे तो 2 kg का प्रेशर हमें मिल गया, तो ये तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से तो एयर निकल गए। लेकिन जो ड्रम में स्टीम होता है उसको सुपर हीटर तक पहुँचने तक वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है। तो अगर यहाँ पे 2 kg है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कम होगा, हो सकता है 1 kg हो और 1.5 kg हो। तो उस समय अगर हम 2 kg आने पर ही अगर बंद कर देंगे तो यहाँ का जो सुपर हीटर में जो जितने सारे एयर है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाएंगे, हम इंश्योर नहीं हो पाएंगे कि पूरी तरह से वो निकल चुका होगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 kg प्रेशर पाने के लिए हम लोग को ड्रम प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि 4 या 5 kg आ जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 kg लगभग आ ही जाता है। तो बॉयलर ड्रम का प्रेशर 5 kg आ जाने पे हम लोग जितने सारे सुपर हीटर का जो वेंट होता है उसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग उस समय ये इंश्योर हो जाते हैं कि वहाँ का भी जो एयर है वो वेंट हो चुका होगा या निकल चुका होगा। तो यही कारण होता है इसको हम लोग 2 kg पे या सुपर हीटर को 5 kg पे बंद करते हैं। तो अब देखिए कि इसको 2 kg पर ही क्यों बंद किया जाता है, जो एयर वेंट होता है ड्रम का उसको 2 kg पे ही क्यों बंद करेंगे, इसको हम लोग 3 kg पे क्यों नहीं बंद कर सकते या 4 kg पे क्यों नहीं बंद कर सकते? तो इसका रीज़न ये है कि 2 kg पर आने पर ही जो ड्रम में है वो सेचुरेटेड स्टीम तैयार होने लगता है, तो वो हमारा सेचुरेटेड स्टीम जो होगा वो एक तरह से वेस्टेज होने लगेगा। तो वो हमारा वेस्टेज ना हो, लॉस ना हो सेचुरेटेड स्टीम, तो उसके लिए हम लोग 2 kg पे ही बंद कर देते हैं, क्योंकि 2 kg पे हम ये इंश्योर हो जाते हैं कि जो हमारा एयर है वो रिलीज हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर हाई है और यहाँ पे लो है। तो ये हो गया कि हम लोग वेंट को कब क्लोज करते हैं और क्यों करते हैं। अब बात आती है कि जो वेंट होता है उसको हम लोग क्या देख के ओपन करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग बॉयलर को बंद करना हो या शट डाउन करना हो, तो जैसे ही बॉयलर हम लोग बंद करते हैं तो धीरे धीरे इसका प्रेशर डाउन होता है, और एक समय ऐसा आता है कि यहाँ का जो प्रेशर है वो डाउन हो जाता है और टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टीम है, जो पहले ज़्यादा वॉल्यूम में था, जो ज़्यादा स्पेस लिए हुए था, वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे वो कंडेंस होगा, ये जो स्पेस होगा वो खाली होगा। तो अगर ये खाली होगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, और अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो वो ट्यूब में क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, वहाँ पे प्रेशराइज करेगा, उसको प्रेशर देगा। तो उससे क्या होगा कि ट्यूब स्क्यूज होने का चांसेस रहेगा, ट्यूब फेलियर हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े, इसलिए जब बॉयलर का प्रेशर 2 kg आ जाता है तो उस समय हम लोग जो वेंट होता है वो सारा खोल देते हैं, ताकि जो बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर है और जो बॉयलर का प्रेशर है वो सेम हो सके, और ट्यूब पे कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी प्रेशर ना पड़े, ताकि हमारा जो ट्यूब है वो सेफ रहे। तो यही सब रीजन की वजह से हम लोग ड्रम या सुपर हीटर का जो एयर वेंट होता है उसको क्लोज या ओपन करते हैं। तो आई होप कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा जो ड्रम का वेंट होता है, जो सुपर हीटर का वेंट होता है, उसको हम लोग कितने केजी में खोलते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले, उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।